हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमा अपकॉर्न। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बेबी बेडिंग किस तरह से बनाते हैं, इसे बेबी बेड शीट भी कह सकते हैं आप, किस तरह से बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है, आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस कपड़े को इस तरह से खोल कर ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक मेरे पास ओल्ड बेडिंग पड़ी हुई थी इस तरह से, और आपके पास जो भी मटेरियल पड़ा हो या आपके पास वेस्ट बेडशीट हो या वेस्ट फैब्रिक आपके पास हो, कोई लेफ्ट ओवर फैब्रिक हो, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सी इसमें 3-4 फैब्रिक आपको मोटा कर कर डालना है, ताकि बेबी को जो आप कभी भी बेबी को सुलाओ तो थोड़ा मोटा लगे। तो मेरे पास यहाँ पर ओल्ड पड़ा हुआ था, मैंने उसी को डाल लिया। आप कोई भी बेडशीट डाल सकते हैं पुरानी। इस तरह से मैंने इसे साइड से कट कर लिया है, साइड से मैंने 2-2 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़कर स्टिच का ले लिया है। अब यहाँ पर चारों तरफ हम स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर चारों तरफ बेबी बेडिंग जो बना रही हूँ मैं, उसके चारों तरफ मैं फ्रिल लगाऊंगी। अब आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है इस तरह से, बहुत सारी मैंने 6-7 पट्टियाँ 2-2 इंच की, जो मेरा साइड का फैब्रिक था मैंने उसी से 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करके निशान लगा कर मैंने कट की है। अब सारी पट्टियों को मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। आप देख सकते हो मैंने जोड़ लिया है। फिर बीच में भी मैंने एक फिनिशिंग के लिए स्टिच लगा दी है। इस तरह से जोड़ कर मैं बीच में भी एक फिनिशिंग के लिए स्टिच लगाऊंगी, ताकि वह सिलाई अच्छी लगती है, वो फिनिशिंग स्टिच जब हम देते इस तरह से। फिर मैंने अब यहाँ पर नीचे वाले हिस्से को सिलाई लगा लिया है। मैंने सारी पट्टियों को जोड़ लिया है, आप देख सकते हो इस तरह का लुक हुआ है। मैं यहाँ पर अब छोटी छोटी पट्टियों में फ्रिल बना लूँगी। मैं फ्रिल बनाकर प्रिपेयर कर लूँगी पहले से, ताकि हमें लगाने में आसानी हो। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है हमें लगाने में। अब हम फ्रिल बनाने के बाद एक वो करेंगे, हमारा जो कपड़ा जिसमें हमें बेबी बेडिंग बना रहे हैं उस पर हम इस तरह से, जहाँ पर हम स्टिच लगाना है, हम इस तरह से पूरी चारों तरफ इस तरह से फ्रिल लगा लेंगे। पहले हम फ्रंट का कपड़ा ले लेंगे। अब हमने जो फ्रिल बनाई है वो कपड़े की सीधी तरफ रखते हुए, फ्रिल की साइड, फ्रिल की पट्टी जो हमने बनाई उसे भी सीधी तरफ ही रखना है। दोनों का फ्रंट सामने सामने होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। और इस तरह से हम चारों तरफ फ्रिल को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से कपड़े पर। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैंने चारों तरफ जॉइंट कर लिया है फ्रिल को इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो फ्रिल लगाया था वो कपड़ा और दूसरा कपड़ा इस तरह से रख कर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे आपको मैं वीडियो बता रही हूँ, हमने जो नीचे फ्रिल वाला कपड़ा है और दूसरा उसके ऊपर कपड़ा रखना है जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई है, हम वहाँ पर इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम कपड़े की चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे, नहीं 3 तरफ हमें लगाना है, और नीचे साइड हमें खुला रखना है। 1-3 तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना, नीचे वाला हिस्सा हमें खुला रखना। एक तरफ से हमें इसलिए खुला रखना है ताकि हमारा जो ओल्ड बेडिंग होती है हमारी, हमें जो पुराने कपड़े हम जो भी उसमें डालते बेडशीट उसमें डालेंगे, तो उसे हमें पलटने में आसानी, इस तरह से उसे बिछा लेना है। दोनों को एक साथ रखते हुए इसे गोल गोल इस तरह से फोल्ड करके हमें पलट लेना है। इस तरह से पलटने में, अंदर डालने में बहुत आसानी होती है। आप एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पलटने में। आप देख सकते हो मैंने अंदर डाल दिया है, पुराने वाले जो बेडिंग थी मैंने उसे अंदर डाल दिया है और इस तरह से पलट लिया है। पलटने के बाद हमें उसे अच्छे से हाथों से बराबर कर लेना है। जहाँ जहाँ हमारा कपड़ा नहीं पहुँचा है उस तरह से हाथों से हम मुझे अच्छे से कपड़े को बराबर करते फैलाते हुए जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचा देंगे वहाँ पर अच्छे से, और इस तरह से एक बार उठाकर सीधा कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक अंदर तक सही हो जाए। फिर इस तरह से हमें सही करने के बाद हम वहाँ जगह जगह छोटी छोटी जो पिन या टाई इस तरह से फोल्ड पहले हमें कर लेना। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें जगह जगह इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप पे पिन लगा लेना। पिन लगाने से हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें स्टिच करने में बहुत आसानी होती है। जो अंदर वाले कपड़े होता है वो बिल्कुल भी सरकता नहीं। यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का मार्जिन लिया है। 2-2 इंच के मार्जिन पर मैं यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच लगाऊंगी। आपको जिस तरह का डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हो। मुझे स्ट्रेट बनाना था इसलिए मैंने स्ट्रेट यहाँ पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ 2-2 इंच पर। हमें इस बात का ध्यान रखना है, भले हमने टाचनी या पिन जो लगा लिए, हमने लगाने के बाद हमें बेडिंग को इस तरह से फोल्ड करके रखना। इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे
तो हमारे कपड़े में चून हो जाता आ जाता है, इस तरह से गैदर हो जाता है फैब्रिक एक जगह पर, वो नहीं होगा। हमारा जो हमने स्टिच लगाई, जो भी डिज़ाइन हम बनाएंगे वो परफेक्ट होगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लगा ली है। और यहाँ पर अब हम नीचे का फोल्ड कर लेंगे। इन्हें नीचे का फोल्ड करने के लिए हम इस तरह से पहले जो नीचे इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर यहाँ पर हम अब स्टिच लगा लेंगे। हम यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बेबी बेडिंग के साथ एक छोटा सा कुशन भी रेडी किया था। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पर कापूस आता है या कॉटन आता है, मैंने वो लिया था। उसमें यहाँ पे मैंने कुशन का कवर बनाकर मैंने उसमें भर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने साइड से सिलाई लगा ली थी यहाँ पर उस पर, और फिर मैंने उसका कवर ही बनाया था, कुशन कवर, जो उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में कि आप कुशन कवर किस तरह से बनाते हैं उसकी प्रॉपर डिज़ाइन के साथ में वीडियो में मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये इसका फाइनल लुक है बेबी बेडिंग का कुशन के साथ, पिल्लो के साथ। आपको अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।